Dear student, today about discuss chapter 14, Living Together, class 5, EVS. Today discuss climate conditions and availability of material, economic status and other factors and special house. Then discuss and previous chapter, Chapter 13, Food for Plants and Animals, Green Plants Make Their Own Notes, and Chlorophylls, Water, Carbon Dioxide, and Sunlight, Sugar and Oxygen. मैंने आप लोग को चैप्टर 13 के बारे में कुछ बातें बताई. आज बात करेंगे हम जो 14 चैप्टर है लिविंग टुगेदर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे. तो जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा और अच्छे से पैराग्राफ चैप्टर वाइज पेजेस वाइज अच्छे से स्टडी कीजिएगा. जहाँ पर आपको दिक्कतें होती हैं बताइएगा, उस चैप्टर्स को उस पैराग्राफ्स को फिर से पुनः हम आपको अध्ययन कराएंगे. टुडे डिस्कस लिविंग टुगेदर एंड स्टार्ट नाउ. लास्ट ईयर साथ में मनाली गया था. रोहन हैड आई नोटिस दैट मोस्ट हाउसेस देयर वेयर मेड ऑफ वुड एंड हैड स्लोपिंग रूफ्स. रोहन और मैंने देखा कि वहाँ के जो हाउसेस हैं, घर हुए, वो क्या हैं, स्लोपिंग रूफ से हैं, लकड़ी से बने हुए हैं और स्लोपिंग रूफ से हैं बताया गया है. लकड़ी से बने होने के कारण वहाँ की जो छतें हैं वो ढलान है बताया गया है. वी वेयर द पजल्स टू सी दिस एंड आस्क अवर फादर द रीजन्स. हम यह देखें और अपने पापा से इनके कारण को जानने की कोशिश की है, या फिर अपने पिताजी से इनके कारण पूछिए. He explained it to us that people in different regions build the different types of houses depending on a number of factors. उन्होंने हमें समझाया कि विभिन्न क्षेत्रों में लोग कई प्रकार के, कई आधार पर विभिन्न प्रकार के घरों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं. उनके पिता द्वारा समझाया गया कि कैसे कैसे घर होते हैं. लिविंग टुगेदर के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं. तो नीचे पैराग्राफ देखिएगा, नीचे पैराग्राफ से में दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस आर बिल्ड. डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस आर बिल्ड इन डिफरेंट एरिया. पीपुल बिल्ड हाउस ऑफ डिफरेंट डिजाइन एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स. डिफरेंट टाइप, विभिन्न प्रकार के घरों का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है. यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप, विभिन्न प्रकार के घरों का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जाता है, किया जाता है. पीपुल बिल्ड्स हाउस ऑफ डिफरेंट डिजाइन एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग ऑफ फैक्टर्स लाइक इन क्लाइमेट कंडीशन. उनकी जो क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं, उनके जो प्लेस होते हैं, अवेलेबिलिटी, उनकी उपलब्धता के अनुसार, उनकी मटेरियल्स सामग्री के अनुसार, इकोनॉमिक स्टेटस आर्थिक स्थिति और बजट के अनुसार क्या करते हैं, अलग अलग घरों को डिजाइन करते हैं, संरचना करते हैं. लोग द्वारा क्या किया जाता है, हाउसेस को अलग अलग डिजाइन करते हैं, अलग अलग उनकी संरचना करते हैं. क्लाइमेट कंडीशन की बात करते हैं कि क्लाइमेट कंडीशंस होती क्या हैं. क्लाइमेट जो कंडीशन दिए हुए हैं, जलवायु संबंधित स्थिति क्या होती हैं, क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बात करेंगे, अवेलेबल मटेरियल्स की बात करेंगे और इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में हम बात करेंगे. तो बात करते हैं क्लाइमेट कंडीशंस क्या होती हैं. क्लाइमेट कंडीशन, जलवायु संबंधित स्थिति क्या होती हैं. जो जलवायु संबंधित स्थिति होती हैं कैसे होती हैं. क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इन ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ए हाउस टू बिल्ड.
जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या बताया गया है? क्लाइमेट ऑफ प्लेस, जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है जो स्ट्रक्चर हाउस को क्या करते हैं, घरों को स्ट्रक्चर उनकी डिज़ाइन बनाने में क्या करती हैं, प्रभावित करती है। आपने भी देखा होगा कि जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ की जो तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट्स में बताए गए हैं, फर्स्ट पॉइंट्स के रूप में बताया गया है कि जो क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। कोल्ड एरियाज लाइक हाइट माउंटेन एंड हिली रीजन्स एक्सपीरियंस स्नोफॉल्स इन ऑलमोस्ट थ्रॉट द ईयर्स, हेंस हाउसेस इन दिस प्लेस हैव स्लोपिंग रूफ्स। जो कोल्ड एरियाज होते हैं, ठंडी क्षेत्र होते हैं, हाइट माउंटेन होते हैं, कोल्ड एरियाज होते हैं, हाइट माउंटेन होते हैं, हिली रीजन्स होते हैं, ऊंची पहाड़ी होती है, हिली रीजन्स होते हैं, वहाँ की जो रेनफॉल होती हैं वह क्या होती हैं, वर्षा होती रहती हैं, हर साल वर्षा होती हैं। हैंस, इसलिए हाउस इन दिस प्लेस विन द स्लोपिंग रूफ्स, वहाँ के घरों की छतों को क्या किया जाता है, ढलान किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छतों को क्या किया गया है, ये जो छत दिख रही है ये ढलान है। दिस ऑलवेज स्लो स्लाइड डाउन इजली सो दैट हाउसेज डू नॉट बिकम डम्प एंड कोल्ड, कि जो वहाँ की छतें को इसलिए ढलान किया जाता है क्योंकि आसानी से वहाँ के जो बर्फ होंगे, वहाँ के जो कोल्ड एरिया होंगे वो आसानी से नीचे गिर सके, वहाँ के पानी नीचे गिर सके। द वॉल्स फ्लोर मैट वुड एंड प्रिवेंट हीट ऑफ स्पीकिंग। क्या बताया गया है कि गर्मी से बचने के लिए उनकी दीवारों को लकड़ी से कुछ खिड़कियाँ, कुछ दरवाजे बनाए होते हैं, इससे गर्मी से बचने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है द प्लेन एरिया एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर एंड लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की बात की गई है और लो टेम्परेचर की बात की गई है विंटर के समय। द प्लेन एरिया मौसमी क्षेत्रों में क्या होती हैं, समर के समय हाई टेम्परेचर हो जाती हैं गर्मी के समय, और विंटर सर्दी के समय क्या होती हैं, लो टेम्परेचर हो जाती हैं। थस इस प्रकार हाउस हियर द जनरली हैव थिक वॉल्स एंड हाई रूफ्स, थिक वॉल्स उनके घरों को, इस प्रकार उनके घरों को जनरली तौर पर क्या बनाए जाते हैं, थिक वॉल्स माटी के क्या किए जाते हैं, दीवारें और हाइट रूप उनके छतें को क्या किए जाते हैं, उनके छतों को ऊपर किया जाता है। दिस हेल्प टू कीप द हाउसेस वार्म ड्यूरिंग द विंटर एंड कोल्ड ड्यूरिंग द समर, है ना। दिस हेल्प टू कीप, वह किस लिए सहायता करती हैं, कैसे सहायता करती हैं, जैसे ड्यूरिंग द विंटर मतलब सर्दियों के समय उनकी जो हाउसेस होती हैं वह क्या करती हैं, गर्म पैदा करवाते हैं और समर के समय वह क्या करती हैं, ठंड पैदा करती हैं, इसमें सहायता होती हैं, ये सहायता प्रदान करती हैं। थर्ड पॉइंट्स में दिए हुए हैं, आप यहाँ पर मकान्स को देख सकते हैं, उनकी जो मकान्स हैं ये ढलान एरिया है, गर्मी के समय क्या होती है उनको, गर्मी के समय उन्हें ठंडी प्रदान करती हैं और ठंडी के समय उन्हें गर्मी का प्रदान करती हैं, इसलिए यह सहायता प्रदान करती है बोला गया है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इन एरिया एक्सपीरियंसिंग हैवी रेनफॉल एंड फ्लूड्स हाउसेस हैव द स्लोपिंग रूफ सो दैट द रेन वाटर कैन स्लाइड डाउन इजली,
यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भारी वर्षा होती है, हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा होने के कारण जो फ्लॉड होते हैं, हाउस होते हैं, स्लोपिंग रूफ्स जो होते हैं, स्लोपिंग जो रूफ्स होते हैं, ढलान एरिया जो होते हैं, एंड सो रेनफॉल्स कैन स्लाइड डाउन ईजली, उनकी जो रेनफॉल के कारण क्या होती हैं, स्लो डाउन साइड दें ईजली, आसानी से क्या होती हैं, वहाँ की जो रेन होती है, वह पानी जो होती है वह ढलान में नीचे गिर जाती है। मोस्ट हाउसेस एरिया गुल्स ऑफ द स्टील हैव्स हैव द रेजिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोड वाटर, इस कारण क्या क्या होती हैं, वहाँ की जो हाउसेस होती हैं उनके बिल्डिंग्स को स्लैड से सैप क्या कहते हैं, रेजिडेंस ऑन फ्लोड वाटर से क्या कहते हैं, रखे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट कंडीशंस क्या होती हैं, क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बात किया, क्लाइमेट कंडीशन जो कि वहाँ की जलवायु स्थिति के अनुसार उनकी घरें जो होती है वो कैसे होती हैं। अब पेज नंबर 78 में देखिएगा, पेज नंबर 78 की बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स की, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स क्या होती हैं, वहाँ की सामग्री की उपलब्धता क्या होती है, सामग्री की उपलब्धता के बारे में बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स होती क्या है। पीपुल जनरली बिल्ड्स दियर हाउसेस विथ लोकली एवल मटेरियल्स, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, आमतौर पर लोग हाउसेस को बनाने के लिए लोकल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, लोकल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। इन विलेज मटेरियल्स लाइक द मूड्स स्ट्रॉ एंड वुड्स, क्या बताया गया है, मूड्स स्ट्रॉ वुड्स आर इजीली अवेलेबल, जो गांव में क्या होती है, जो मटेरियल्स होती हैं, मूड मिट्टी होती हैं, स्ट्रॉ एंड लकड़ी होती हैं, घास होती हैं, ये सब क्या होती हैं, इजली तौर पर उपलब्ध हो जाती हैं। सो पीपल यूजली बिल्ड द कच्चा हाउसेस, जिसे हम कच्चे हाउसेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोग उन्हें कच्चा हाउसेस के रूप में तैयार करते हैं। सच हाउसेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड नीड रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम। सच हाउसेस, वो जो घर होते हैं, जो कच्चे जो घर बनाए जाते हैं गाँव में, कच्चे जो घर बनते हैं, वो वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब वो जो मजबूत नहीं होते हैं, वो जो घर होते हैं नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मजबूत नहीं होते हैं, उन्हें रिपेयर मतलब टाइम टू टाइम उसे क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, उन्हें फिर से बनाया जाता है। बट नो डेज मटेरियल्स लाइक द ब्रिक्स सीमेंट एंड आयरन्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन विलेज, बट क्या बताया गया है, नो डीज मटेरियल्स एंड लाइक ब्रिक्स सीमेंट आयरन्स ऑल्सो अवेलेबल ऑफ विलेज, क्या बताया गया है कि लेकिन आज की बात करते हैं, जो गांव में भी क्या पाए जाते हैं, ब्रिक्स मिल जाते हैं आसानी तौर पर, सीमेंट्स मिल जाते हैं, लोहे मिल जाते हैं, अवेलेबल हैं गांव में, बोला गया है। थस इस प्रकार हाउस आर ऑल्सो बींग बिल्ड यूजिंग द मटेरियल्स, यूजिंग दिस मटेरियल्स, इस प्रकार हाउस जो बनाने के लिए गांव में भी क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, मटेरियल्स का उपयोग किए जाते हैं। एंड नीचे पैराग्राफ देख सकिएगा, इन अर्बन एरियाज़ जो होते हैं, जो शहरी एरियाज़ होते हैं शहरी गांव में होते हैं, परमानेंट और पुच्चा हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स सीमेंट एंड आयरन और सीन, जो शहर के एरियाज होते हैं, देखिएगा ये मकान जो बना हुए हैं ये शहर की मकान से हैं, और ये जो मकान बने हुए हैं ये गाँव के मकान से बनाया गया है। तो ये जो मकान बनाने के लिए क्या होती हैं, जल्दी से घास फूस मिट्टी लकड़ी मिल जाती हैं, और गांव में लोहे सीमेंट्स एंड जो रेत होती हैं वो भी आज उपलब्ध हो जा रहे हैं। ये जो मकान होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उनको बार बार रिपेयरिंग करना पड़ता है, ये बताया गया है। एंड का मकान होते हैं जो कि बहुत ही मजबूत बताया गया है। सच हाउसेस वेरी ड्यूरेबल्स एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब वो जो मकान होती है बहुत ही मजबूत होती हैं। बेंगलोर्स एंड अपार्टमेंट और कॉमन अदर सिटीज़, जो शहर में क्या होती हैं बहुत सारे बेंगलोर्स होते हैं एंड अपार्टमेंट होते हैं, ये बताया गया है।
इकोनॉमिक्स स्टेटस की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स स्टेटस जो होती हैं, इकोनॉमिक्स स्टेटस क्या होती हैं, आर्थिक स्थिति क्या होती हैं, आर्थिक स्थिति के अनुसार कैसे बंगला बनाए जाते हैं, अपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ये चीज़ बताएंगे। ये जो मकान देख सकते हैं एक जैसे मकान हैं, बहुत सारे एक जैसे मकान बनाए गए हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस कैन बी द फाउंड इवन इन सेम पैलेस, दिस हाउसेज वेयर इन द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स स्टेटस ऑफ द इकोनॉमिक्स पर्सन्स। डिफरेंट टाइप, अलग प्रकार के हाउसेस को, अलग अलग प्रकार के हाउसेस को, इवन इन सेम पैलेस, डिफरेंट टाइप, अलग प्रकार के जो घर होते हैं, अलग अलग प्रकार से, इवन द सेम पैलेस, सेम पैलेस से क्या करते हैं, वेरी स्ट्रक्चर, उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके जो डिजाइंस होते हैं, उनके अनुसार बनाया जाता है। उनकी जो इकोनॉमिक्स स्टेटस होते हैं, उनके जो इनकम्स होते हैं, इनकम इकोनॉमिक्स स्टेटस इनकम्स पर्सन, जो उनके इनकम्स होते हैं, ये वो पर्सन जो होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा, वह एक अपार्टमेंट बना देगा, एक बंगला बना देगा, सेम डिजाइन के बना देगा, उनकी स्टेटस के आधार पर यह बताया गया है। पीपुल बिल्ड्स देयर हाउसेस डिपेंडिंग अपन द अमाउंट्स ऑफ करते हैं, इकट्ठा करते हैं और एक ही प्रकार के, एक ही आकार के मकान से बनाने के लिए उन्हें पैसा दे देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, उन्हें दे दिया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन वाले लोगों को दिया जाता है, ठेका में दिया जाता है, उसी प्रकार बताया गया है। इकोनॉमिक स्टेटस की बात की जाइए, आर्थिक स्थिति की बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा, इन टाउन एंड सिटीज पीपल विथ लेस इनकम्स बिल्ड लो कॉस्ट हाउसेस यूजिंग द एक्सपेंसिव मटेरियल्स। कुछ टाउन्स होते हैं, कुछ सिटीज एंड कस्बे जो होते हैं, लोग क्या करते हैं, लेस इनकम बिल्ड दम लो कॉस्ट हाउसेस, मतलब उनकी जो इनकम्स होती हैं उस हिसाब से लो कॉस्ट में क्या करती हैं, हाउसेस यूज करती हैं, एक्सपेंसिव यूज करती हैं, मटेरियल्स लेते हैं। सम एरियाज वेयर द सच हाउसेज कैन बी द सीन एंड स्टम एंड चॉल्स, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिन्हें हाउस बनाने के लिए स्टम एंड चॉल्स का उपयोग करते हैं। सम पीपल ऑल्सो बिल्ड द मैक्सिप्ट हाउसेस यूजिंग द मटेरियल्स लाइक इन टिन द एस्बेस्टोसिट, कुछ ऐसे मकाने होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें छतों पे एस्बेस्टोसिट लगाए जाते हैं, प्लाईवुड्स लगाते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं, एंड कुछ लोग रहते हैं हाई इनकम जो होते हैं उन्हें बिल्ड्स विंग हाउसेस, बड़ा हाउसेस बनाते हैं, बंगलास बनाते हैं, बिल्ला बनाते हैं, यूजिंग द एक्सपेंडिंग मटेरियल्स, मटेरियल्स का उपयोग करके बड़े बड़े क्या बनाए जाते हैं, यहाँ पर बताया गया है बंगलास बनाए गए हैं, बिल्ला बनाए गए हैं, बिग हाउसेस जो बड़े होते हैं, ज़्यादा इनकम वाले रहते हैं वो बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं बोला गया है। आर्थिक स्थिति के आधार पर बताया जा रहा है। इन विलेज डिपार्टमेंट, इन विलेज डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस, करते हैं पक्का हाउसेस का निर्माण करते हैं। सम हाउसेस बाय द बिग विथ मनी रूम्स, उनकी जो रूम्स होती हैं बड़ा रूम्स होते हैं, और विथ वाइल सम माइट इन द हैव जस्ट वन टू रूम्स, बड़े मकान भी बनते हैं, कच्चा पक्का मकान जो बनाते हैं, बड़े मकान बनाते हैं, और जो मकान बनाते हैं उसमें वन से टू रूम्स भी होते हैं, जिसे हैवली सिन द विलेज ऑफ द हाई कॉस्ट द हाउसेस, इसके पास क्या होती हैं हाई कॉस्ट के हाउसेस होते हैं। फंड टाइम्स की बात करते हैं, फंड टाइम्स में दिए हुए हैं कुछ आइडेंटिफाई अंडर नेम द टाइप ऑफ द हाउसेस, ये जो है बताया गया आइडेंटिफाई पहचानी कि यह किस प्रकार के हाउस हैं। वी सीन द मटेरियल्स यूज्ड इन द बिल्ड्स इन सच हाउसेस एंड व्हाई, डिस्कस इन क्लास, अपनी अपनी कक्षा में चर्चा करें कि ये जो मटेरियल्स किस मतलब से इस हाउस का क्या क्या है बिल्ड्स बनाए जाते हैं। साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है कि नेम एनी टू साइट्स सिटीज एंड इंडिया वेयर वी द फाइन चॉल्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। कुछ जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, कुछ चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे कि अदर फैक्टर्स क्या होती हैं, अदर फैक्टर्स
अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे एंड स्पेशल हाउसेस के बारे में बात करेंगे। स्पेशल हाउसेस क्या होती हैं, देख सकते हैं स्पेशल हाउसेस कैसे दिए हुए हैं, आप लोग भी अच्छे से पढ़ के आइएगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करते हैं कुछ अदर फैक्टर्स की, अदर एबिलिटीज स्पेस की, नीड्स की, पर्सन के एंड लैंड फॉर्म्स की क्या करेंगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, बाय बेटा।